वेलकम टू द सिटी ऑफ मुंबई। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स, जो वेस्टर्न इंडिया में स्थित है। और जाने का जो बेस्ट रूट है वो है गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर। जाते हैं एलिफेंटा केव्स और देखते हैं वहाँ के क्या क्या अट्रैक्शंस हम इंजॉय कर सकते हैं अभी मुंबई की बारिश में। चलिए मिलते हैं एलिफेंटा केव्स में। सी यू। विले पार्ले से निकल चुके हैं हम एलिफेंटा केव्स के लिए, और इसके लिए हमने रूट चुना है वाया सी लिंक मुंबई। यहाँ से करीबन 30 से 40 मिनट हमें लगेंगे गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने में, और तब तक इस रूट को एंजॉय करते हैं। सी लिंक मुंबई, यहाँ पर आप रोक नहीं सकते अपनी गाड़ी को, और इस रूट पे बाइक्स आर नॉट अलाउड। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अनूठा एग्जांपल, और सामने मुंबई के स्काई स्क्रैपर्स, और जो वाटर है वो एक इसमें एक एडेड अट्रैक्शन है। ये आप कह सकते हैं चेरी ऑन द केक, एक बेहतरीन नज़ारा अगर आप रात के समय यहाँ से गुजरते हैं। सो फॉर मुंबईकर्स ये एक रोज़ का रूटीन स्पॉट है, बट फॉर टूरिस्ट एक बेहतरीन साइट। गेटवे ऑफ इंडिया हम आ चुके हैं अभी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यू ताज है और उसके बगल में ओल्ड ताज। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से हमें फेरी लेना है फॉर एलिफेंटा केव्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र के लिए। हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स के लिए, और ये हमारी बोट है जो हमको लेके जाएगी एलिफेंटा केव्स। वहाँ पहुँचने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फेरी में ऊपर जाने का 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, मतलब असली वाला ऊपर नहीं आना। जो टिकट प्राइस है वो 260 रुपीज़ है, तो हमें लगा 261 फेरी में बैठ जाएंगे। उन्होंने बोला कि नीचे के लिए है वो, अगर आपको ऊपर जाना है तो 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 10 रुपये पर पर्सन। सो हम लोगों ने भगवान वाला ऊपर नहीं है, फेरी में ऊपर जाना है। तो अभी हमने 10-10 रुपये पे किए हैं पर पर्सन, 20 रुपीज़। अभी हम जा रहे हैं फेरी के ऊपर, जहाँ से हमको एकदम सारा नज़ारा दिखेगा, नीचे से अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब हैं जो चला रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम चलेंगे एलिफेंटा केव्स। गेटवे ऑफ इंडिया से हम निकल चुके हैं एलिफेंटा केव्स के लिए। ये फेरी लगभग 1 से 1.25 घंटा लेगी एलिफेंटा केव्स पहुँचने में। एलिफेंटा केव्स पहुँचने के बाद वहाँ से हमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जहाँ से एक स्टीप हाइट शुरू होती है एलिफेंटा केव्स के लिए। ये पथरीला रास्ता सीधे हमें लेकर जाएगा एलिफेंटा केव्स के एंट्रेंस पे, जहाँ पर हमें फिर से एक टिकट परचेज करना पड़ेगा एलिफेंटा केव्स के अंदर एंटर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं एलिफेंटा केव्स और देखते हैं क्यों ये इतना फेमस है। शुरू करते हैं ना सफर यहां से। आधा रास्ता कवर हो चुका है और करीब 30 मिनट्स का जर्नी और बाकी है फॉर एलिफेंटा केव्स। जो हम सामने देख रहे हैं वो पहाड़ सा,
वो एलिफेंटा केव्स है। लगभग एक घंटा लगता है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आने में, और इतना ही समय वापस जाने के लिए भी लगेगा। लेकिन अगर आप मौसम देखें तो इट्स प्रीटी ऑसम। कभी भी ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है, लेकिन 3 दिन से बारिश हम झेल चुके हैं, तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि बारिश ना हो। बाकी जैसे भगवान की मर्जी। मिलते हैं एलिफेंटा केव्स में। एलिफेंटा केव्स में हम आ चुके हैं और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हैं जेटी है, जहाँ पर हम उतर के आगे एलिफेंटा केव्स के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए हम एलिफेंटा केव आ गए हैं और यहाँ से आप मुंबई का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। बारिश का मौसम है। ये एक मार्केट है एलिफेंटा केव्स जाते समय, जैसे कि हर ट्रैवल अट्रैक्शन में होता है। फाइनली वी हैव अचीव द टारगेट। और लगभग 10 मिनट के स्टेप्स के बाद हम आ चुके हैं एलिफेंट केव्स। फोटो। यहाँ पर दोबारा टिकट्स लेने के बाद अब हम एलिफेंट केव्स में प्रवेश कर चुके हैं, और जो सबसे पहली साइट है वो ये है, मैग्निफिसेंट, यही वर्ड यूज किया जा सकता है इस केव के लिए। आ अंदर चले। यही मेन एंट्रेंस है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम शामिल है। चलिए अंदर चलते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती को डेडिकेटेड ये एलिफेंटा केव्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, एलिफेंटा केव्स एक कलेक्शन है केव टेंपल्स का, और यहाँ टोटल 7 केव्स हैं। और अभी जिस केव को हम विजिट कर रहे हैं, ये मेन केव है एलिफेंटा केव्स की, जहाँ पर शिवजी को कई रूपों में दिखाया गया है। और इस मेन केव में लगभग 26 पिलर्स हैं या स्तंभ हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये केव्स साउथ इंडिया की मूर्ति कला से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है। आप देख सकते हैं इनकी नक्काशी और जो डिज़ाइन है वो पूरा पूरा साउथ इंडिया का मूर्ति कला से मिलता जुलता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सेकंड केव में, जो मेन केव से बिल्कुल बगल में ही है। इस मैसिव पहाड़ को देखकर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि उस जमाने के शिल्पियों ने किस तरीके से इन केव्स का निर्माण किया होगा। गाइस अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक और केव्स बनी हुई है यहाँ पे। We're going out.
खूबसूरत बनाया है, पहाड़ों को काट के बनाया है ये। पुराने टाइम में भी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर भी कैसे बनाते हैं इतना खूबसूरत। ये अभी हम आ चुके एक दूसरी केव पे, ये देखिए मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ऊपर से पानी गिर रहा है, यहाँ पे ये पानी जमा हो गया है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे है ना अंदर कुंड टाइप के बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है इस पहाड़ के अंदर। वहाँ देखें, वहाँ होगा और देखते हैं। ओसम, ये देखिए बहुत सारे कुंड है। बात, बात टब है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो पानी बहुत सारा जमा हो गया है। अंदर चले? हाँ, फोन रखो। वाओ, ये अंदर क्या टेंपल है? बस ये इतना ही है ये? अच्छा, हाँ शायद वो मेडिटेशन के लिए बनाया रहेगा कि जो लोग पहले तपस्या या पूजा करते थे, तो ये शांति के लिए ये जगह बनाई गई है। हाँ, इधर के ये देखिए बटरफ्लाई, वेरी नाइस। ये भी एक केव है, ये भी एक केव। ये भी एक मेडिटेशन के लिए बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए पहाड़ एकदम खूबसूरत दिखता है। चलो अपूर्व, आप नेक्स्ट हम केव की तरफ जाएंगे, अगले स्पॉट पे चलते हैं। गाइस, अभी हम नेक्स्ट केव की तरफ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इट्स टू ब्यूटीफुल। देखिए और बताइए कैसा है। सो ब्यूटीफुल। पहले के जमाने में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर कैसे बनाते थे पता नहीं, पूरे पहाड़ को काट के अंदर बनाया है पूरा। हाँ, जितने भी केव्स देखे इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, उधर देखो अपूर क्या है। चलो आपको भी दिखाते हैं क्या है रूम में। आई थिंक दिस इज फॉर मेडिटेशन, या फिर कुछ सामान वामान रखने के लिए यूज करते होंगे पहले टाइम में। और ये शायद, या वो भी, ये भी हो सकता है कि उस पर शायद कोई मूर्ति हो पहले। नहीं, हो सकता है पूजा के लिए हो, कुछ चीज़ के लिए यूज़ होता हो, आई डोंट नो। शायद हम यहाँ पे कोई गाइड होता तो हमको बताता था कि ये क्या यूज़ के लिए था। और एक और हॉल है पहाड़ को, ये देखिए पहाड़ को दिखाता हूँ। ये अंदर कुछ भी अंदर से डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ उसको पहाड़ को कटिंग करके बनाया है पूरा। सुपर। एक और रूम है यहाँ पे, वेरी नाइस। ये भी सामान रखने के लिए पूरा। चलो अभी नेक्स्ट केव की तरफ चलते हैं। इसकी, हाँ, वेरी नाइस। ये देखिए एक और केव है।
गाइस मैं आपको एक और केव दिखा रहा हूँ, ये शायद पानी भरा रहता है यहाँ पे, कुछ तो है, इसको बंद किया हुआ है, रॉ है ये, किया नहीं है, बंद किया हुआ है। गाइस सो गाइस अब यहाँ से वापस जाने का सफर शुरू हो गया है। हाँ दिखा देना बेटे। वापस जा रहे हैं हम लोग, अब हम जाएंगे यहाँ से रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे, क्योंकि फिर हमको यहाँ से 4:30-5 बजे तक निकलना है, क्योंकि लास्ट 5:30 बजे बोट है, उसके बाद बोट बंद हो जाती है और वहाँ से हमको 1 घंटा लगेगा अपने डेस्टिनेशन मतलब गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने के लिए। ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये हमारी तीसरी केव, 3rd नंबर, अब हम वापसी में जा रहे हैं, क्योंकि सब हमको प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं रुक सकते आज। एंड ये जा रहे हैं हम लोग वापस, ये आई थिंक ये किसी पर्पस के लिए पहले बनाया गया होगा, बट इसको आजकल रेस्टिंग एरिया बना दिया है कि आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं अगर आप थक गए तो। एंड वापस जा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ से रिलेटेड। एलिफेंटा ये तो मराठी में है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश बताता हूँ। यहाँ एलिफेंटा केव्स की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, और एल्स आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं तो इसका क्लिप मैं आपको सीधे मेल या मैसेज कर सकता हूँ। ये यहाँ का मार्केट है जो वापस जाते समय तेरा लाइव गिरने का वीडियो बनेगा, पूर्व आराम से चल। इसलिए बना रहा हूँ, गिरा और बनेगा भाई। अपूर्व तू 10 बार स्लिप होने से बचा है तो आराम से चल, थोड़ा स्लीपी है, बारिश का टाइम है ना। ये देखिए ये सारे सुपर हीरोज, हाय। हाँ सूखा है, रेस्टोरेंट अबे ये वो उधर ही मिलेगी, वो एक ही है, सो वन प्लेस ओनली। गाइस हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही किया था कि गेट ऑफ इंडिया से जब हम समुंदर से होके यहाँ पे आएंगे तो हमें लगा कि शायद एलिफेंटा केव है यहाँ पे या ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर यहाँ पे तो पूरा मार्केट है पहाड़ पे, फुल मार्केट, वेरी नाइस। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, तो हम लंच करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने, हमारे पास सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिले, जो भी रेस्टोरेंट मिला है, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये वाले रेस्टोरेंट में जाके लंच करेंगे। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये, और ये सॉरी दिस वन, वो अंदर रहेगा शायद। राज लेके आए हैं, रखिए राज क्या लेके आए हैं, सुरमई फ्राई,
वेरी नाइस, बहुत अच्छी दिख रही है ये। अबू यू लाइक इट? इधर बताओ, तुम्हें बहुत पसंद है? सुपर, वेरी नाइस। साथ पे हमने सोचा कि यहाँ का पीनट भी बोला बहुत अच्छा बनता है, तो हमने कहा चलो पीनट चाट भी ट्राई करते हैं। तो अभी हम इंजॉय करेंगे अपना मील, मिलते हैं नेक्स्ट। गाइस, हम लोगों का अभी लंच हो गया है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अपूर्व भी डन कर चुका है, राज भाई अपने बहुत अच्छी सर्विस दी इन्होंने, बहुत अच्छा है इन्होंने हमको खाना वाना खिलाया और यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप भी कभी एलिफेंटा आएंगे तो हाँ, प्लीज़ कम दिस रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू राज, चलिए सर, थैंक यू। गाइस, ये देखिए हमारा हिंदुस्तान का जहाज, नेवी का जहाज, देश वैभव, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा। मैं आपको साइड से दिखा नहीं पाया, मिस हो गया मुझसे, बट सुपर, बहुत अच्छा था। अभी हम वापस जा रहे हैं पुरानी डेस्टिनेशन पे, गेट ऑफ इंडिया। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम वापस आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया की जेटी पर, और ये समय है यहाँ से विदा लेने का। तो चलिए डिसएम्बार्क करते हैं इस फेरी को और मिलते हैं आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पे एक और बार। गाइस, हम लोग अभी वापस आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। सो बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा एलिफेंटा केव का, बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पे। और आई होप हमने आपको जो जो हम दिखा सकते थे हमने आपको सारा कुछ वहाँ पे दिखाने की बहुत बहुत कोशिश की। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग आपको दिखाएं। Keep watching. Thank you so much. Bye. मिलते हैं next video में. Bye, Apoorv.